तो जिस प्रकार आपने पिछली वीडियो में जाना कि गाय के गोबर से किस प्रकार हम इनकम ले सकते हैं, आज किस वीडियो में आप जानोगे कि किस प्रकार सिर्फ गौमूत्र से हम इनकम ले सकते हैं। तो विजय जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम गौमूत्र से इनकम ले सकते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते जी, जय गो माता जी, जय गोपाल जी। तो सर बताएं आप किस प्रकार हम गौमूत्र को बेच सकते हैं। देखो, गौमूत्र तो सर्वश्रेष्ठ है, जो मनुष्य में जो शरीर का जो हमारा ढांचा है, जो 18 पोषक तत्वों से बना है, वही गाय के मूत्र में है, वही धरती माता की मिट्टी में है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो तो गौमूत्र अर्घ अवश्य पिए या सीधा डायरेक्ट गौमूत्र जरूर पिए। तो इनकम का रहा असल, भाई इनकम हम कैसे कर सकते हैं। मान के चलो आपने 10 लीटर गौमूत्र लिया और गौमूत्र लेने के बाद उसमें से आपने 3 लीटर ही अर्क निकाला, 3 लीटर बिल्कुल कम से कम बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो निकालने वाले तो 4 लीटर भी निकालते हैं, 5 लीटर मान के चलो आपने 3 लीटर ही निकाला तो अर्क निकाला। और एक जो गौमूत्र अर्क की जो कीमत होती है, गौमूत्र जो अर्क है उसकी कीमत है, हमें तो 400 रुपये निकाल रखे हैं, 400 रुपये की आधा लीटर की हम एक की करते हैं। और गौ माता प्रतिदिन 10 लीटर गौमूत्र देती ही है, आप पूरी कैलकुलेशन कर लो। अगर मान के चलो 3 लीटर गौमूत्र अर्घ निकाला तो 800 गुणा में 3 आप बोलो 2400 रुपए की एक गाय गौमूत्र से इनकम दे सकती है, और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, और व्यक्ति गाय के प्रति प्रेम भी, और एक शरीर की पूरी संतुलन बन सकता है जो व्यक्ति गौमूत्र हर रोज पीता है। तो 2400 रुपए का तो सर जो गौमूत्र अर्घ हो गया, फिर अर्घ को निकालने के बाद जो नीचे जो मटेरियल बचता है उसको क्या बोलते हैं, और उसका क्या जो घनवटी रहती है, जो घन रहता है उसका क्या इस्तेमाल रहता है, उससे कितनी इनकम ली जा सकती है। देखो, जितनी आपने गौमूत्र अर्घ निकाला उतनी ही इनकम हम घनवटी से ही भी ले सकते हैं, उतनी ही गौमूत्र से और उतनी ही घन से ले सकते हैं। तो घनवटी से भी लगभग 2400 रुपए कमाए जा सकते हैं, कम नहीं ज्यादा होगा उससे। तो तकरीबन 5000 रुपए सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र से एक गाय से एक दिन में कमाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार एक महीने में सिर्फ 1.5 लाख रुपए गाय के गौमूत्र से कमाए जा सकते हैं। लोग हमारे जागरूक हो जाए, गाय के उपयोग करें, गौमूत्र का उपयोग करें, गौ आधारित उत्पादन अगर प्रयोग करें तो गाय से हम एक दिन में इतने पैसे कमा सकते हैं। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता बस। तो अगर आज के समय में हमारे समाज में बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती जा रही हैं, अगर एलोपैथी से इलाज न करवा के अगर हम फिर से गाय के पंचगव्य के ऊपर आधारित जो सामान का प्रयोग करते हैं, पंचगव्य का इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बात तो बीमारी होगी ही नहीं। अगर फिर भी जो जर्सी नस्ल की जर्सी गायों का दूध पीते हैं या भैंसों का दूध पीते हैं उनको बीमारी हो जाती है, तो हम अगर गौमूत्र का या फिर गाय के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो जो बीमारी है दूर हो सकती है। और स्वदेशी अपनाएंगे तो जो हमारा जो भारत का जो पैसा है हमारे भारत में ही रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार गौमाता ही बनेगी, एक दिन जरूर बनेगी, चाहे 10 साल बाद बनो या 15 या 20 साल बाद बनो, लेकिन गौमाता ही देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी। तो सर, और जो आपने जो ये गौनाइल बनाया है इसके बारे में और बताएं, ये इससे कितनी इनकम ली जा सकती है। देखो जी, ये जो गौनाइल है, गौनाइल ये सबसे बड़ी बात है, ये कोई कंसीट्रेट से बनाया नहीं हुआ है। जो गौनाइल, जो गौ फिनाइल की बात, जो फिनाइल की बात करने लग रहे हैं, वो सारा कंसीट्रेट से बनाया जाता है। जो पाइन ऑयल का कंसीट्रेट होता है परफ्यूम के लिए होता है, वही प्रयोग करते हैं, और जो फिनाइल बनाने लग रहे हैं। जो गौनाइल हमने इसका नाम लिया, ये चिड़ का तेल है जी, चीड़ का तेल में बनता है ये। कितने लीटर चीड़ का तेल और कितना गौमूत्र? चीड़ का तेल इसमें मान के चलो हम इसमें 20 लीटर पानी लेते हैं और 1 लीटर चीड़ का तेल है, और इसमें 1 लीटर गौमूत्र और 1 लीटर जो नीम की जो पत्तियों का जो पानी होता है वो डालते हैं इसमें। इन सब को गर्म करते हो या सीधे? वैसे मिश्रण करते हैं जी, इसका मिश्रण। तो सर जो सफेद रंग है ये चीड़ के तेल का रंग सफेद का तेल आता है जी, तो ये देख सकते हो जो, और जो असली जो गौनाइल होगी आप उसकी पहचानी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको 15 दिन 10 दिन तक ऐसे रखोगे तो ऊपर इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे पानी आ जाएगा, ये असली की पहचान होती है जी। और तो जो मिली रहती है वो कंसिस्टेंट होता है जी सारा का। तो जो आपकी जो ये गौनाइल है ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% गाय के पंचगव्य से, गाय के गौमूत्र से और जो चीड़ के तेल से बनाई गई है। इसमें अन्य धोखेबाजों की तरह इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है, कोई भी
फिनाइल नहीं मिलाया गया है। जो बेस रखते हैं कहते हैं कि जो गोनाइल है इसमें बेस रखना पड़ता है, जो फिनाइल नाम का जो केमिकल है उसका, लेकिन यहाँ पर विजय जी ने बिना केमिकल के बनाया है। आप यहाँ पर जितना भी सामान देख रहे हो, जितना भी आपने वीडियो में देखा है, किसी का भी लैब टेस्ट करवा के देख सकते हो, 1% भी आपको केमिकल नहीं मिलेगा। और इसकी गोनाइल की मैं आपको गोमूत्र की जानकारी दे देता हूँ कि देखो हमारे पहले भारतीय संस्कृति में क्या हुआ करता था, गोबर और गोमूत्र की हम लेपन करते थे और गोमूत्र को छिड़काव करते थे प्रतिदिन यज्ञ करने के बाद, क्योंकि वायुमंडल में शुद्धता रह जाए। जब हम गोमूत्र को छिड़काव करेंगे तो सुंदरता वो शुद्धता बढ़े। परंतु आज हमें गाय को लुप्त कर दिया है, गाय को हम घर में रख नहीं रहे हैं, तो आज पक्के बना दिए हमें, बिल्कुल कोठिया वगैरह फरस वगैरह बिल्कुल पक्के कर दिए है, तो हम गाय को रख नहीं सकते। और गोमूत्र से आज थोड़ी बहुत घृणा करते हैं, जो आजकल ज्यादा पढ़े लिखे हैं वे करते घृणा, तो उसके विकल्प में है जी। जब आप देखो एक तो गो फिनाइल की फिनाइल होगी और गोमूत्र गोमूत्र, वो गुणवत्ता भी वही है, वही पुरानी संस्कृति की तरफ ये चीज आपको लेके चलेगी, और इससे आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। लगभग मान के चलो गोमूत्र की अगर कीमत करो, अगर फिनाइल की अगर गोमूत्र की कीमत करो, तो नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप सीधा आपका गोमूत्र 50 रुपए लीटर तो बिक ही रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी शानदार बात बताई। अगर 50 रुपये लीटर, दिन में 10 लीटर भी 500 रुपये का हो गया, तो देख सकते हो काफ़ी शानदार बात यहाँ पर गौमूत्र को बेचने के माध्यम से विजय जी ने बताई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।